दोस्तों आज की इस वाली वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ BI डेटा डिलाइट के बारे में। डेटा डिलाइट है क्या और इसका यूज़ आप लोग कैसे कर सकते हैं, पूरी डिटेल्स दूंगा BI के डेटा डिलाइट के बारे में। देखिए गाइस, BI में डेटा डिलाइट एक ऐसी सुविधा है जो आपको अन्य ऑपरेटर में नहीं देखने को मिलने वाली, जैसे कि जियो एयरटेल में आपको नहीं देखने को मिलने वाली। डेटा डिलाइट सिंपल से मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। अगर मान लो कि जो आपको डेली डेटा मिलता है 1.5 GB 2 GB, उसमें से पूरा डेटा ख़त्म हो जाता है तो आप एमरजेंसी के तौर पर डेटा ऐड कर सकते हैं, 1 GB ऐड कर सकते हैं, 2 GB ऐड कर सकते हैं। उसकी मैं डिटेल्स दे देता हूं आपको। ये डेटा डिलाइट रहता है, आप लोग महीने में 2 बार यूज़ कर सकते हैं, महीने में 2 बार। जैसे कि अभी फरवरी चल रहा है, ठीक है, तो अगर आपने 15 फरवरी में बैलेंस डलाया है तो फरवरी में तो चलेगा ही चलेगा, वो मार्च में भी चलेगा। तो 2 बार गाइस उसे आप लोग फरवरी में यूज़ कर सकते हैं और 2 बार मार्च में भी यूज़ कर सकते हैं। 1 महीने में 2 बार यूज़ कर सकते हैं और अगला महीना अगर आपका बैलेंस रहता है तो आप उसमें भी 2 बार यूज़ कर पाएंगे। बात करते हैं दोस्तों इसे कैसे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसी डेटा कूपन को दोस्तों 2 तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला, अगर आपका जो डेली डेटा रहता है उसमें से 100 MB या फिर उससे कम बचता है तो MyBI एप्लीकेशन में जाकर आपको ये देखने को मिल जाएगा, क्लेम 1 GB डेटा का ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा MyBI एप्लीकेशन में, ठीक है। और दूसरा भी तरीका है इसको अप्लाई करने का, वो है दोस्तों 121249 पर अगर आप लोग कॉल करेंगे, यहाँ से भी आप जो 1 GB डेटा क्लेम है इसको अप्लाई कर सकते हैं BI के अंदर। ठीक है गाइस, सिंपल से मैंने आपको समझा दिया है डेटा डिलाइट क्या है। तो अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और अगर चैनल पर नए हैं ना तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना।